हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम एक ब्लाउज बनाएंगे। तो ये वाला लेडीज़ और जेंट्स दोनों को चलेगा। बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं। और देखिए इसकी साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। फिर बाकी हमारे हेल्थ के हिसाब से होता है। देखिए 5.5 इंच में थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर थंब का भी साथ में ले लेते हैं तो 4 इंच है। तो इस तरह से ये हमारा है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मेरे हाथ पे आ जाएगा इजीली। मैं आपको एंड में पहने करके भी दिखाऊंगी। और इसमें जो हमारे 2 ग्लव्स होते हैं इसमें हमारी वूल कितनी यूज़ हुई वो भी मैं आपको इसका वेट भी बता दूंगी आपके सामने। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा और चेन या कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए एक रो हमने यहाँ से ज्वाइंट नहीं किया है ताकि हमें पहनने में आसानी रहे, इसीलिए हम पहले एक रो इसी तरह से बनाएंगे, बाद में जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और 3.5 mm का क्रोशा है। देखिए 5 से 9 नंबर का, अगर आपके पास नंबर्स में है तो 9 नंबर का भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसमें पहले तो हम चेन बना लेते हैं। इसे करके लूप बनाया और अब हम इसमें चेन बनाएंगे 34। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 34 चेन हमने बना ली। और अब हम देखिए 5 से, अब हमने यहाँ से 3 चेन स्किप कर देनी है। देखिए 1, 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल डबल क्रोशिया हमारे आएंगे 32, 32। 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 32 डबल क्रोशिया आएंगे। और इसी तरह से हम इसे बुनते जाएंगे हर एक चेन में एक एक बार। और हमारा यहाँ पर से थोड़ा सा बाकी रह जाए, जब यहाँ तक हम पहुँच जाए तब हम इस धागे को इस साइड मोड़ करके क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेंगे ऐसे। तो राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने वो वाला धागा इस साइड मोड़ करके साथ ले लिया था। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर से क्रोशे को डाल करके, यहाँ पर बल नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमें राउंड को जॉइंट करना है। तो ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से हम ये जो हमारे 3 की चेन है, सॉरी यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारा अगला वाला डबल क्रोशा है इसे हमें इस तरह से उठाना है। अब हमें एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाना है ऐसे। तो ऐसे हो गया और अब हम बैक पोस्ट तो पीछे से उठाएंगे ऐसे। फिर से लूप लिया और आगे से उठाएंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाला पीछे से, तो ये बैक लूप हो गया ऐसे। एक हमारा फ्रंट पोस्ट और एक हमारा बैक पोस्ट, देखिए इस तरह से ऐसे हमें अब पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए एक बैक से उठाएंगे, एक फ्रंट से उठाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए देखिए ये हमारा बैक पोस्ट था, तो आखिरी वाला हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा ऐसे ऐसे। तो राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे।
और वापस से 3 चेन बनाएंगे और फिर से जो हमारा फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो इसे बैक से उठाएंगे ऐसे। जो हमारा फ्रंट से लिया हुआ था उसके ऊपर इसी तरह से, और जो हमने बैक से उठाया था इसे भी इस तरह से। तो ऐसे ही हमारा ये तीसरा राउंड है, तो तीसरे राउंड को भी ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए। और टोटल रो हमें इस तरह से 7 बनानी है। देखिए, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो देखिए हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। वापस से जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच। 3 रो कंप्लीट हो गई हमारी, 3 चेन बनाएंगे और ये चौथी रो है। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे, और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो ये चौथी रो है। इसके बाद हमें 3 बनानी है, टोटल हमारी 7 रो हो जानी चाहिए। शुरू से लेकर के गिनना है हमें ऐसे। तो इसी तरह से आप टोटल 7 रो बना दीजिए। तो देखिए 7 राउंड हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। टोटल रो हमारी 7 बनी है शुरू से लेकर के। देखिए पहले हमने एक ऐसे ही बनाई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल रो हमने 7 बनाई है। और अब हमने यहाँ पर 3 की चेन के ऊपर 3 चेन, और अब हमें हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हमारे 32 डबल क्रोशे है। 3 की चेन को साथ में गिनना है हमें, और इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बना लेना है। 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 32 डबल क्रोशे आएंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। 3 की चेन के अंदर डाल करके तीसरी वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर वापस से 3 की चेन के ऊपर 3 चेन बना देनी है, और नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर हमें सेम चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सेम प्लेस पर 3 बार। 3 की चेन के ऊपर हमने 3 चेन बनाई शुरू में, और नेक्स्ट वाले के अंदर सेम प्लेस पर 3 बार। और अब हमें हर एक चेन में वापस से डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने पहले राउंड किया था वैसे। शुरू में सिर्फ हमने 3 चेन बनाई, बाद में हमने एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया किया। अब हमारा राउंड देखिए सेम तरीके से बनेगा, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, सिर्फ यहाँ पर हमने 3 बनाया। राउंड कंप्लीट कर दी। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। वापस से तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, और 3 की चेन के ऊपर 3 चेन, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। और देखिए ये जो हमने एक ही चेन में 3 बनाए थे, इसके पहले के ऊपर 1 बना दिया, अब दूसरे के ऊपर सेम चेन में वापस से 3 बनाना है। बीच वाला जो है इसके ऊपर हम वापस से सेम प्लेस पर 3 बार बनाएंगे ऐसे। ये जो 3 बनाए थे इसके बीच वाले के ऊपर 3 बना दिया, अब ऐसे ही हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट कर देंगे। ये जो हमने 3 बनाया था इसके बीच में 3 वापस से बना दिया, और अब हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर फिर से तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम वापस से चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। चौथा यहाँ पर का जो डबल क्रोशे का बना रहे हैं इसमें, वो वाला तो हमने 7 बनाया था। 3 चेन के ऊपर 3 चेन ले ली, और अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया ऐसे। देखिए 3 की चेन के ऊपर 3 चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये जो 3 बनाए थी इसके बीच वाला हमारा जब डबल क्रोशिया आ जाएगा, तब हमें इसके ऊपर भी सेम प्लेस पर 3 बनाना है। जो 3 किया है एक ही चेन में, इसके बीच वाले के ऊपर हमने 3 बना दिया। देखिए
पहली रो में किया था, फिर दूसरी में और ये तीसरी में, सेम चेन में तीन बार। और अब हम हर एक चेन में वापस से एक एक बार बनाते जाएंगे ऐसे, तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए ऐसे ही। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, चौथा राउंड है हमारा। देखिए 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और वापस से तीन की चेन के ऊपर तीन चेन बना देंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया। और ये अब हमारा तीन जो बनाया था इसका बीच वाला आ गया, तो इसके ऊपर वापस से तीन बार बनाएंगे। अब हमें नहीं बढ़ाना है, ये हमारा आखिरी राउंड है। सॉरी, इसके बाद और एक राउंड है, इसमें भी हमें इसी तरह से बढ़ाना है। इसके बाद और एक राउंड आएगा, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 है, इसके बाद और इसी तरह से यहाँ पर बीच वाले के ऊपर ही बढ़ेगा। तो अब हर एक चेन में एक एक बार राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां राउंड भी कम्प्लीट हो गया और अब हमारा छठा राउंड स्टार्ट होगा। 1, 2 और 3, तीन की चेन के ऊपर तीन चेन और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। जो हमने तीन बनाया है उसका बीच वाला नहीं आ जाता तब तक हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए बीच वाला आ गया, तो इसके ऊपर वापस से तीन बार बनाएंगे। ये हमारी आखिरी रो है, अब हमें नहीं बढ़ाना है। देखिए ऐसे एक बनाया, दूसरा और ये तीसरा। देखिए सेम चेन में तीन बार बनाए और अब हर एक चेन में एक एक बार, तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। ये हमारी थंब की जगह बन गई है। देखिए इस तरह से जो हमने बढ़ाया वो हमारा हाथ इस तरह से होता है, तो ये थंब की जगह बन गई। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राउंड हमने बना दिए। यहाँ पर हमारी तीसरी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। और अब हमें यहाँ पर थंब की जगह छोड़नी है, तो देखिए यहाँ पर हमारे 1, 2, 3 और 4, ये वाले स्किप हो जाएंगे। ये वाले तीन लिए थे एक ही चेन में, वो भी स्किप हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीन है, इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5, 5 छोड़ करके छठे वाले में डालना है। टोटल हमने कितने स्किप किए हैं यहाँ पर देखिए, तीन की चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है, बाकी के इसके बाद का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13वीं चेन में हमने डाला है। अगर आप यहाँ से गिनना चाहते हैं, तीन लिए हमने इसके बाद किए, छठे वाले के ऊपर हमने डाला है क्रोशिया, तो इसके अंदर हमें जॉइंट करना है। यहाँ पर थंब रखेंगे, इसके अंदर क्रोशे को डालेंगे ऐसे और यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर यहाँ पर तीन चेन कर देंगे और अब हम यहाँ पर आगे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये थंब की जगह हमारी स्किप हो गई, तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया ही बनाना है। देखिए ऐसे, तो राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है यहाँ पर। इसके ऊपर भी एक बार बना लेंगे ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर ये जो तीन चेन हमने बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे, तो राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन बना करके इसके ऊपर
इसे हमने तीन चेन को इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठा लेनी है। फिर लूप लिया, इसके ऊपर बैक पोस्ट, फिर से हमें इस तरह से चार रो बनानी है। ये हमारी पहली है, इसके बाद और एक तीन रो बनेगी और, तो टोटल हमारी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की चार रो हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही एक हमारा फ्रंट पोस्ट और एक हमारा बैक पोस्ट, ऐसे देखिए। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए पहला रो कंप्लीट हो गया, आखिरी में हमारा बैक पोस्ट आएगा। पहला हमने फ्रंट पोस्ट किया था, तो फ्रंट पोस्ट के ही चेन में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है ऐसे। देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया फ्रंट पोस्ट की चेन में, और अब दो चेन बनाएंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट को इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठा लेंगे, और वापस से इसी तरह से बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। तो ऐसे ही हमारी दूसरी रो कंप्लीट कर दीजिए। वापस से इसके बाद दो रो और आएगी ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, और फिर से फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। वापस से दो चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे, और वापस से जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। तीसरी रो है, इसके बाद और एक रो बनेगी, तो चार रो करके हमारा एक ग्लव्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक दो और ये तीन, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की तीसरी रो है, इसके बाद और एक रो बनेगी। ये वाली रो मैं नहीं गिन रही हूँ, यहाँ से जो कम किया था हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया था वो नहीं, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाना स्टार्ट किया उसकी हमारी तीसरी रो है, तो इसके बाद और एक बनेगी। तो चार रो हमारी कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पर। फिर इसके बाद ये थंब है, इसके ऊपर एक रो बनाएंगे बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की। तो देखिए चार रो हमने कंप्लीट कर दी, एक दो तीन और चार, और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे स्लिप स्टिच। फिर एक चेन लेंगे, धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, फिर इसे निडल में पिरो करके अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये थंब वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो तीन चेन है इसके अंदर डालेंगे, तीन चेन है हमारी, इसके अंदर डाल करके एक दो और तीन चेन बना ली हमने, और अब हम यहाँ पर आगे वाला जो है इसे इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे ऐसे, और फिर से लूप लिया और बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे ऐसे। एक के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है और एक के ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है ऐसे। नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट करेंगे और एक बैक पोस्ट। अब इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे हम, इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब हम यहाँ पर पहले फ्रंट पोस्ट की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, इसे भी हम अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे।
देखिए धागा नीडल में पिरो दिया है, देखिए ऐसे इसको अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगानी है। ऐसे हमने अंदर के साइड खींच दिया और फिर यहाँ पर थोड़े थोड़े से स्टिच में ले जा करके इसे हम ऐसे घुमाते जाएंगे और बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे ऐसे। इसके अंदर नॉट भी लगाते जाएंगे तो ऐसे ही थोड़े थोड़े स्टिच में लेकर के घुमा दीजिए पूरा धागा। तो देखिए दोनों धागे की नॉट मैंने लगा दी है और ये बन करके रेडी हो गया है देखिए। और अब हम इसका वेट देख लेंगे, इसका वज़न, इसमें कितनी फूल लगी है। देखिए सिर्फ 33 ग्राम में हमारा ये ग्लव्स बन करके रेडी हो गया है देखिए। इसे अब हम पहन करके भी दिखाते हैं, बहुत ही इजी है पहनना भी और ये बहुत ही प्यारे लगेंगे आपको। देखिए तो बहुत ही प्यारे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।